हेलो फ्रेंड, लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त 27। अभी हाल ही न्यूज़ में रहा कि इंदौर विंस क्लीनेस्ट सिटी इन अगेन, जो स्वच्छ सर्वेक्षण में जो अभी हुआ है इसमें इंदौर पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, चौथे स्थान पर अंबिकापुर और पाँचवें स्थान पर मैसूर। फॉर द फोर्थ ईयर इन ए रो इंदौर हैज़ बीन रैंक्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू ए स्वच्छ सर्वे 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाई द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे। अच्छा, द सर्वे ऑफ सैनिटेशन इन ओवर 4000 सिटीज आर कैरिड आउट ओवर 28 डेज। द मिनिस्ट्री रिलीज्ड ए फाइंडिंग थ्रू ए वर्चुअल इवेंट दैट वॉज सपोज टू बी अटेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी बट कुड नॉट मेक इट। अच्छा, और इसमें क्या था कि छत्तीसगढ़ वॉज रैंक्ड क्लीनेस्ट स्टेट आउट ऑफ दोज विद ओवर 100 सिटी, वाइल झारखंड वॉज क्लीनेस्ट सिटी अमंग द फ्यूअर देन 100। यदि जो ULB है, अर्बन लोकल बॉडी 100 से ज़्यादा, उनमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर रहा, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे मध्य प्रदेश। यदि स्टेट्स विद लेस देन 100 ULB, उनमें झारखंड सबसे पहले, फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड। अच्छा, अगर इसकी बात करें कंट्रीज ऑफ गंगा टाउन्स में वाराणसी सबसे स्वच्छ रहा। वाराणसी जो मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, ये सबसे क्लीनेस्ट था। और जालंधर गॉट द रैंक अमंग कंटोनमेंट एंड न्यू दिल्ली वाज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। और इसमें यदि बात करें तो जो सबसे पहली बार जब हुआ था उसमें मैसूर आया था, और उसके बाद से लगातार 4 बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है। तो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, तो ये आपको मिला है इंदौर को, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसी समय यूपी की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। अभी यहाँ जिले हैं 55 जिले, विधानसभा सीटें हैं 230, राज्यसभा सीटें 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और ये जो यहाँ नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव वन विहार, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान हैं। और महत्वपूर्ण जगहों में जैसे पंचमढ़ी, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा रिवर भी निकलती है, सोन रिवर भी निकलती है, और बैतूल की घाटियों से ताप्ती नदी निकलती है। अच्छा, इंदौर लगातार चौथी बार पहले पायदान मौजूद है। इंदौर लगातार 2017 से इस सर्वेक्षण सीट पर बना हुआ है। देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा सबसे साफ शहर है, और पंजाब के जालंधर शहर को देश का सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट का खिताब मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और अभी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। जो शहरी क्षेत्रों में जो होता है सर्वेक्षण, उसकी जिम्मेदारी होती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, QCI की, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की रहती है, ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन।